और सुप्रीम कोर्ट का बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी से इनकार, अभिव्यक्ति पर नहीं लगाई जा सकती रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। मंत्री विधायकों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मंत्री के बयान को नहीं बताया जा सकता सरकार का बयान। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुनाया। मामले से जुड़े पांच अहम सवालों के जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया है और ये फैसला ऐतिहासिक भी इसलिए क्योंकि बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से इनकार किया गया है। अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जिस तरह से हमें संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री के बयान को सरकार का बयान नहीं बताया जा सकता। और चलिए इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस फैसले में क्या अहम रहा, किस तरह से पूरी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि 2016 में आजम खान ने बुलंदशहर में एक रेप कांड हुआ था और उसमें एक विवादित बयान दिया था जी। जिसके बाद जो पीड़िता है उन्होंने हाईकोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनका ये कहना था कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति होते हैं उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे कि जो सार्वजनिक भावनाएं आहत हो या किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हो। तो ये मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक पीठ है उसने ये डिसाइड किया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो आर्टिकल 91 का एक भाग है, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। और उन्होंने अपने जो सभी जो मूल कंक्लूजन था उसमें ये बात रखी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आज जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है वह सभी के लिए खुली है, स्वतंत्र है और हमारा संविधान इसकी जो है सभी को अनुमति देता है। तो पीड़िता की तरफ से ये बात रखी गई थी कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, उनके लिए कोई दिशा निर्देश होने चाहिए कि वो अपनी बातों को रखे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई मंत्री या विधायक अपनी बात को रखता है तो वह सरकार का बयान नहीं होता। किसी मामले में अगर वो निजी बयान देता है तो उसको सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। साथ ही यहाँ जो जस्टिस बीबी नागरत्ना थी उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी चीज है जिस पर कि आमजन को आपत्ति है तो संसद इस विषय में विचारे और कानून बनाए जिससे कि आने वाले समय में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति कुछ भी बोलने से पहले सोचे और उसे जिम्मेदारी पूर्वक कहें, जिससे कि जो मशहूर लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, वो इस तरीके से बयानों से बच सके। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है यहाँ आजम खान को राहत है। साथ ही जो आज हम देख रहे हैं पूरे देश भर में हेट स्पीच को लेकर बातें होती हैं और बड़े बड़े मंचों से जो राजनेता और मंत्री जो भी बातें कहते हैं, फिलहाल उस पर भी यहाँ पर कोई रोक नहीं लगती नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अगर हम गौर करें तो। वहीं कुछ मामले जो ऐसे हैं जिन पर कोर्ट ये बेंच डिसाइड नहीं करी, उन्होंने बड़ी बेंच को रेफर करने का निर्णय लिया है जी। बिल्कुल गौरव, ये क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट भी है और अब आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।